तो और भाई लोग कैसे हो, तो स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो गाइस इस वीडियो में मैं पबजी मोबाइल के अनबैन से रिलेटेड और जो टेंसेंट ने अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट करने का फैसला किया है उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। तो गाइस प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। और गाइस जो मैं 3-4 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था उसका रीजन था कि जो मेरा मोबाइल है वो खराब हो गया था और गाइस मैंने उसे बनने दे रखा था, इसलिए गाइस इतना टाइम लग गया मेरे को। पर गाइस अब मेरा फोन मतलब आज ही के आज बन के आया और गाइस जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने सारी कलेक्ट करी, पबजी मोबाइल के अनबैन से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने सारी कलेक्ट करी और ढेर बैठ वीडियो बना के डाल दी ताकि आप लोग को सारी न्यूज मिल जाए। तो गाइस सबसे पहली न्यूज जो पबजी के अनबैन से रिलेटेड ये है कि बहुत सारी अफवाह उड़ रही है कि 24 अक्टूबर को पबजी अनबैन होने वाला है। तो गाइस पबजी मोबाइल की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल न्यूज नहीं आया है कि पबजी मोबाइल 24 अक्टूबर को अनबैन होगा या इंडिया में रिलॉन्च होगा, पबजी मोबाइल ने ऐसी कोई न्यूज नहीं दी। तो गाइस ये टोटली फेक है। और गाइस जैसे कि पबजी मोबाइल अभी भी इंडिया में एक पार्टनर ढूंढ रहा है, तो गाइस उसे अभी तक कोई पार्टनर नहीं मिला है जो कोलैब करे, मतलब पबजी मोबाइल को इंडिया से ऑपरेट करे। तो गाइस अभी तो टाइम लगेगा, पर गाइस इतना कन्फर्म है कि जो पबजी मोबाइल है वो इंडिया में आएगी क्योंकि उन्होंने सारी अथॉरिटी टेंसेंट से ले ली है इंडिया के लिए, क्योंकि इसी रीजन की वजह से पबजी मोबाइल इंडिया में बैन हुआ था। तो गाइस पबजी मोबाइल मतलब ब्लू होल कंपनी खुद ऑपरेट करेगी इंडिया के लिए, तो इस रीजन की वजह से पबजी मोबाइल तो वैसे ही अनबैन होना ही होना है। और जो 70 questions उसने मतलब हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी मोबाइल से 70 questions जो पूछे हैं उसके जवाब पबजी दे देगी और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि पबजी को अनबैन करना है कि नहीं। बट गाइस 101% चांस है कि पबजी मोबाइल अनबैन होगी। और गाइस एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो टेंसेंट है वो अपना हेडक्वार्टर सिंगापुर शिफ्ट करने की तैयारी में है क्योंकि चाइना की वजह से उसके बहुत सारे ऐप बैन हुए। तो सबसे बड़ा ऐप पबजी मोबाइल बैन हुआ और भी बहुत सारे छोटे मोटे ऐप्स गेम्स उसके बैन हुए हैं जिसकी वजह से टेंसेंट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान तो पबजी मोबाइल के बैन होते ही हुआ था, मतलब उसके पूरे स्टॉक मार्केट के शेयर्स गिर गए हैं, मतलब बहुत बड़ा नुकसान, बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है टेंसेंट को बस चाइना की वजह से। इसलिए टेंसेंट ने फैसला किया है कि वो अपना हेडक्वार्टर सिंगापुर ले जाएगा और वो चाइना से अपने सारे कनेक्शन तोड़ देगा ताकि कि जो उसके बैंड ऐप है वो अनबैन हो जाए, क्योंकि इसी की वजह से टेंसेंट को बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है यहाँ पे गाइस। क्योंकि जो गाइस जो टेंसेंट है वो वन ऑफ द बिगेस्ट गेमिंग कंपनी में से एक है, जो टेंसेंट है वो सब बहुत बड़ी कंपनी है और वो इतना नुकसान तो झेल नहीं सकती, इसलिए अपना पूरा हेडक्वार्टर ही शिफ्ट कर ले रही है सिंगापुर के लिए ताकि उसके जो बैंड ऐप है वो अनबैन हो जाए। क्योंकि जो टेंसेंट है वो बहुत बड़ी कंपनी है, क्योंकि बहुत सारे गेम टेंसेंट के आते हैं और गाइज ऐसी चाइना की वजह से मतलब बैन होने लग जाए उसके गेम तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। और जो हमारा कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल आया था वो भी टेंसेंट के थ्रू ही आया था, बट जो एक्टिविजन है उसने पार्टनरशिप टेंसेंट के साथ तोड़ दी। पता नहीं उनको क्या पता लग गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है ये बैन वैन के बारे में, पता नहीं, पर उन्होंने पार्टनरशिप अपनी तोड़ दी थी इसलिए कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल बैन नहीं हुआ। बहुत बंदे ये भी कह रहे थे कि कॉल ऑफ ड्यूटी पूरा टेंसेंट का ही है वो क्यों बैन हुआ, बट उन्होंने पार्टनरशिप तोड़ दी थी कुछ महीना पहले ही, तो इसी रीजन की वजह से पबजी वो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल इंडिया में बैन नहीं हुआ था। और गाइस जहां तक पबजी के अनबैन की बात है वो तो अनबैन होगी गेम, बस हमें थोड़ा सा सब्र करना है, हमें वेट करना है क्योंकि ये थोड़ा प्रोसेस लंबा है, क्योंकि जो इंडिया में बैन हुआ है वो नेशनल सिक्योरिटी की वजह से बैन हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम इंडियन गवर्नमेंट भी लेगी, वैसे भी सरकारी काम है आपको पता ही टाइम लगता है, और जो 3 हफ्ते का टाइम दिया उसके बाद हमारे पास और न्यूज़ आएगी कि अब क्या होगा, इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट परमिशन देगी पबजी मोबाइल को या पबजी मोबाइल को एक नया पबजी मोबाइल निकालना पड़ेगा इंडियन वर्जन वाला, मतलब बहुत कुछ सारी मतलब डाउट है हम लोग के मन में, जो 3 हफ्तों के बाद जब इसके आंसर आएंगे तो हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। तो गाइस प्लीज अगर हमें चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको इस टाइप के कंटेंट मिलते ही रहेंगे, और जैसे ही पबजी मोबाइल गेम वापस आ जाएगी मेरे पबजी मोबाइल के औसम मॉन्टाज आते रहते हैं मेरे चैनल पर, डेली आते हैं, रेगुलरली आते हैं गाइस। और गाइज अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, हमने 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए और गाइज जल्द से जल्द मुझे अपने चैनल ग्रो करना है गाइज, तो प्लीज आपका सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है गाइज। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि मेरी नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियोज की। तो गाइज बस आज की वीडियो में इतना ही।